के बढ़ते संक्रमण और सभी आयोजनों पर पाबंदी के बावजूद आज बीजेपी पार्षद और मेयर ने पिंक टॉयलेट का आयोजन किया, जिसमें भारी संख्या में लोग मौजूद रहे, जिन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ा। इतना ही नहीं, समारोह में शामिल हुई कुछ महिलाएं तो बिना मास्क के ही नजर आई। समारोह के बारे में जब पूर्वी दिल्ली नगर निगम के मेयर निर्मल जैन से पूछा गया तो वे टालम टोल करते नजर आए और कहा कि ये तो एक छोटा सा उद्घाटन था और सभी के मुंह पर मास्क थे। इतना ही नहीं, अपनी अपनी गलती पर पर्दा डालने के लिए उन्होंने दिल्ली सरकार पर हमला बोल दिया और कहा कि दिल्ली सरकार को नाइट कर्फ्यू के बारे में और सोचना चाहिए और उसके समय को और बढ़ाना चाहिए। ये आज हमारी निगम पार्षद बहन ने, आज बबीता खन्ना जी ने आज ये महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट का आज बनाया है। निगम के सीमित साधन हैं, उन साधनों में भी किस तरीके से हम लोग काम कर पा रहे हैं ये हमारी निगम पार्षद बहन जी से पूछ करके देखो, उन्होंने किस तरीके से इसको बनाया है। जहां आप खड़े हैं V3 हाउस मॉल है, बाकायदा पूरा मार्केट है इतना बड़ा, यहाँ हजारों की तादाद में बहनें हमारी आती हैं और निश्चित रूप से टॉयलेट ना होने से उनको बड़ी दिक्कत आती थी, लेकिन हमारी बहन बबीता जी ने इसको समझा और ये पिंक टॉयलेट का निर्माण किया है और निश्चित रूप से ये सबको लाभदायक रहेगा। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अच्छा निर्मल जी, बहुत अच्छी बात है कि टॉयलेट का उद्घाटन हुआ है, वही कोविड का पूरा इस टाइम पहर जो है वो आ रखा है, ऐसे कार्यक्रमों पर रोक लगी हुई है, फिर ऐसे कार्यक्रम क्यों किए जा रहे हैं? नहीं, ये तो सिंपली नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो सिंपली उद्घाटन का कार्यक्रम है, इसमें कोई ऐसा। बहरहाल समारोह में जुटी भीड़ को देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि नेताओं की ये लापरवाही कितने लोगों की जान को खतरे में डाल सकती है।